हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में मैं आपको आज कहानी सुनाऊंगी। पार्ट 6, कहानी का नाम है बड़ों की सीख। आज हमारी कहानी एक माँ और बेटे की है और उनका पालतू केकड़ा रहता है, उसकी कहानी है। आइए चलिए हम पढ़ते हैं। बेटा अकेले मत जाना, किसी को साथ ले जाना, माँ अपने बेटे से कहती है। बेटा कहता है, माँ आप चिंता ना करें, थोड़ी ही देर की तो बात है, किसी को क्यों परेशान करूं। माँ कहती है, अगर तुम किसी आदमी को साथ नहीं ले जाना चाहते हो तो इस पालतू केकड़े को लेते जाओ। बेटा कहता है, ठीक है माँ, जब तुम जिद कर रही हो तो ले जाऊंगा। बेटा कहता है, आह कितनी घनी छाया है, थोड़ी देर आराम कर लो। अरे यह सांप मालिक की ओर बढ़ रहा है, इसे मैं देखता हूँ। किसने कहा ये? केकड़े ने बोला, उसका पालतू केकड़ा था ना, उसने बोला था, यह सांप मालिक की ओर बढ़ रहा है, इसे मैं देखता हूँ। केकड़ा कहता है सांप से, दुष्ट भाग यहाँ से वरना मार डालूंगा। सांप कहता है, तू मुझे मारेगा, आ जा। लड़का है, यह सांप कैसे मरा? ओह इसे केकड़े ने मार डाला, इसने मेरी जान बचा दी। जब वो नींद में से जागा तो उसने क्या देखा, सांप मरा हुआ था और केकड़ा जो है घायल पड़ा हुआ था। तो बेटा कहता है, मैंने माँ की बात मानकर ठीक किया, वरना यह सांप मुझे डस लेता। प्रस्तुत पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि कहीं भी जाओ तो अपने साथ बड़ों को ले जाना चाहिए, हमें सदा बड़ों की बात माननी चाहिए।